एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान नाबालिग की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को पेट दर्द की शिकायत के बाद इलाज के लिए लाया गया था, जहां 3 दिन के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच माहौल शांत कराने में जुटी रही। परिजनों का आरोप है कि नाबालिग की मौत के बाद शव वहां नहीं दिया गया, परिजन ऑटो में शव रख कर घर ले गए। मरीज जब से सरकारी हॉस्पिटल में आया है तब से मरीज का ट्रीटमेंट जारी था। एक एक डॉक्टर बीच बीच में आकर के देखा है, अपने स्तर पर जितना भी ट्रीटमेंट हो सकता है उनने किया है, हमें उसमें कोई संदेह है, हमारा कोई वो नहीं। मगर कार्यपालिक दंडाधिकारी तहसीलदार जो वर्तमान में आए, रोड में गाड़ी खड़ा करके गए, एम्बुलेंस जाने के लिए जगह नहीं थी, अंदर जा करके परिजन के साथ गाली गलौज किए, जो मृत बच्ची है उसके भाई को गाली दिए, बदतमीजी से बात किए और यहाँ आके माहौल को ख़राब किए हॉस्पिटल के अंदर, जबकि उनका काम है व्यवस्था सुधारने का। और वहाँ करके शांति से उनके परिजन भी थे, डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे। मैं प्रत्यक्ष रूप से 5:45 बजे से यहाँ पर उपस्थित हूँ, कहीं पर कहीं कोई वो नहीं, परिजन भी कहीं कुछ नहीं बोला, ट्रीटमेंट चल रहा था, एम्बुलेंस आ गई थी। बहुत ही घोर निंदा में आता है श्रीडी में, डॉक्टरों की तरह से लापरवाही कहीं नहीं कहीं हुई है, क्योंकि डॉक्टर फोन से हमारे नर्सों को बता रहे थे, हॉस्पिटल के जो नर्स हैं, कि आप ऐसा इलाज करिए ऐसा इलाज करिए। सरजू भाई ने जैसे बताया कि उनके द्वारा डॉक्टर को फ़ोन किया गया, वो आए और फिर 5 मिनट में वो चले गए। उनको परिस्थिति जब ऐसी सीरियस मैटर था तो उस जगह पर डॉक्टरों को रहना चाहिए था, वो उस परिस्थिति को छोड़ के यहाँ से चले गए। इस बीच में परिजन बाकायदा लगे थे, हॉस्पिटल के लोग भी लगे थे, मगर हमारे जो तहसीलदार जी आए माहौल पूरा बिगाड़ के। 3 दिन से भर्ती थी सर, तो पेट में दर्द था, मैं लेके आया हूँ और उसके बाद फिर बोले कि सोनोग्राफी कराने के लिए, तो मैं सोनोग्राफी तिवारी सर करने से करा के लेके आया, तो बोलते इनका मान्य नहीं होगा, खान करने से करा के लेकर, मैंने खान करने से करा के लेके आया। उसके बाद इसके पेट में अभी शाम से फिर दर्द होने लगा, मैं आज ही करा के लेके आया हूँ खान करने से दोपहर में वहाँ, क्योंकि टाइम लगता है, क्योंकि लेके आया हूँ दर्द दे रहा था। तो उसके बाद वो मैडम थी वो फ़ोन पे ही सर से बात, पता नहीं किससे बात कर करके इलाज करते गई, फिर बोली ब्लड की ज़रूरत है। मैं तत्काल 15-20 मिनट के अंदर ब्लड भी लेके आया हूँ और उसके बाद इलाज चल रहा था, फिर एक से एक डॉक्टर आए, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे सर। और उसके बाद वो एक साहब को आए, पता नहीं, मैं तो उन्हें पहचानता नहीं, मैं रो रहा था तो मुझे बोलता है तू कौन हो रहा है, चुपचाप इस टाइप का बदतमीजी से मेरे से बात पैसा करने लगा और मुझे धक्का मारने लगे।